हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सी एनसीईआरटी क्लास थर्ड इंग्लिश यूनिट वन पोयम गुड मॉर्निंग। इस पोयम में एक छोटी सी बच्ची सुबह जल्दी उठ करके सबको गुड मॉर्निंग विश करती है और उसके दिमाग में क्या क्या बातें चलती है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है? और वह क्या क्या फील करती है उसके बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं पोयम। पोयम का नाम है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स डैट रन, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज। ये छोटी सी बच्ची जो है वो सुबह उठ करके स्काई को, यानी कि आकाश को, सूरज को और बहती हुई हवा को, चिड़ियों को, ट्रीज यानी कि पेड़ को, क्रीपिंग ग्रास यानी कि जो घास होते हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं उनको क्रीपिंग ग्रास कहा जाता है, और ब्राउनी बीज यानी कि ब्राउन कलर के जो बीज होते हैं उनको, सबको गुड मॉर्निंग विश करती हैं। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज डे? हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे? आई एम वाइड अवेक, आई एम अप नाउ टू, आई बी राइट आउट टू प्ले विथ यू। अब वो छोटी सी बच्ची इन सबसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि दिन हो गया है और कौन बताता है कि रात चली गई है। आई एम वाइड अवेक यानी कि मैं अब जग गई हूँ और मैं उठ भी गई हूँ और बिल्कुल तुम लोग के साथ बाहर आकर खेलने के लिए रेडी हूँ। इस पोयम में यही बताया गया है। अब हम इसी चैप्टर का न्यू वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है क्रीपिंग। क्रीपिंग इट मीन्स टू मूव स्लोली एंड केयरफुली, मतलब धीरे धीरे। क्रीपिंग का मतलब धीरे धीरे, यानी स्लोली स्लोली मूव करना या धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स इन स्लीप। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से रात को नींद में सरक रहा था, यानी क्रीपिंग का मतलब हो गया धीरे धीरे। नेक्स्ट है अवेक। अवेक मतलब नॉट अस्लीप, मतलब जगा होना, जो ना सो रहा हो या जगा हो उसी को बोलेंगे अवेक। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वाइड अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी जगा हुआ था। नेक्स्ट वर्ड है गॉन। नो लॉन्गर प्रेजेंट, गॉन मतलब चला गया या गया हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड गॉन बिफोर आई रीच द पार्टी, मेरे पार्टी में पहुँचने से पहले ही वह चला गया था। इट मीन्स गॉन मीन्स गया हुआ या चला गया। नेक्स्ट लास्ट है अवे। अवे का मतलब है एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब दूर। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अवे वेन द डॉक्टर वॉज हेयर, मैं दूर था जब डॉक्टर यहाँ थे। अवे, अवे का मतलब दूर। अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी? इस पोएम में जो बच्ची है वो खुश क्यों है? आंसर इज, द चाइल्ड इन द पोएम इज हैप्पी बिकॉज इट इज मॉर्निंग नाउ। इस पोयम में जो बच्ची है वो खुश इसलिए है क्योंकि वह सुबह हो चुकी है। टू हुम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग? ये चाइल्ड जो होती है, बच्ची जो होती है, किसको किसको गुड मॉर्निंग विश करती है? द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग टू द स्काई, द सन, विंड्स, बर्ड्स, ट्रीज, ग्रास एंड बीज। तो जो बच्ची होती है वो इन सबको गुड मॉर्निंग विश करती है, स्काई को, सन को, विंड्स को, बर्ड्स को, ट्रीज, ग्रास एंड बीज, इन सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द चाइल्ड वॉन्ट टू डू? वो बच्ची क्या करना चाहती है? द चाइल्ड वॉन्ट टू प्ले विद द बर्ड्स एंड बीज, और जो बच्ची होती है वो बर्ड्स और बीज इन सबके साथ खेलना चाहती है। अब हम देखते हैं कि हम लोग किस टाइम पे क्या विश करते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग समय हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। एट नाइट आई से गुड नाइट, और रात के समय हम क्या विश करते हैं? गुड नाइट। अ डॉग सेज पो पो, अ काउ सेज मू मू, से गुड मॉर्निंग इन योर ऑन लैंग्वेज टू। तो अब आप अपने लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग विश करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को कैसे गुड मॉर्निंग विश करेंगे? तो आंसर होगा, आई से गुड मॉर्निंग पारुल। अगर हमारी फ्रेंड का नाम पारुल है तो हम लोग ऐसे विश करेंगे, गुड मॉर्निंग पारुल। तो आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं उनका नाम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। मैंने पारुल एक एग्जाम्पल दे करके लिखा है आंसर, लेकिन आप चाहो तो अपने किसी फ्रेंड का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। सेकेंड है योर टीचर,
अगर आपके टीचर हैं तब उनको कैसे विश करेंगे? अगर टीचर फीमेल हैं तो हम लोग उन्हें कहेंगे गुड मॉर्निंग मैम, और अगर मेल हैं तो गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू विश देम व्हेन यू लीव स्कूल इन द इवनिंग, और अगर आप शाम को स्कूल छोड़ करके जा रहे हो तब आप उन्हें कैसे विश करोगे? व्हेन आई लीव स्कूल आई से गुड बाय फ्रेंड्स टू ऑल माई फ्रेंड्स, और जब हम स्कूल से जा रहे होते हैं तो अपने फ्रेंड्स को कहेंगे गुड बाय, एंड आई से गुड बाय मैम टू माई टीचर, और अपने टीचर को कैसे विश करेंगे? गुड बाय मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स से अलाउड फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच राइम्स विथ। पोएम में जो दिए गए वर्ड्स हैं उनका जो राइमिंग वर्ड्स है उनको ढूंढना है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है बी, एंड द राइमिंग वर्ड्स यूज इन द पोएम इज ट्रीज। सेकेंड वन इज डे, एंड द राइमिंग वर्ड इज अवे। थर्ड इज टू, एंड द राइमिंग वर्ड इज यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डू योर सी अराउंड यू ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट, ड्रॉ इन द टू बॉक्सेस गिवेन बिलो एंड कलर द पिक्चर। दो बॉक्सेस दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, और आपको डे और नाइट इन दोनों के पिक्चर्स को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आप लोग पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, और थोड़ा सा क्रिएटिव होकर के अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि अगर दिन का है तो सूरज बनाएंगे, चिड़िया बना सकते हैं, पेड़ बना सकते हैं, और भी कई चीज़ें दिखा सकते हो जो डे के टाइम हमें दिखाई देता है। जब हम डे का पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग सूरज बना सकते हैं, चिड़िया बना सकते हैं, और भी कई चीज़ें दिखा सकते हैं जो हमें दिन में दिखाई पड़ता है। और नाइट नाइट का पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम लोग चांद बना सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, और भी रात में जो हमें दिखाई देता है जैसे जलता हुआ बल्ब दिख बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग नाइट का पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन इसी पिक्चर से रिलेटेड है, राइट टू वर्ड्स ईच फ्रॉम द टू पिक्चर्स यू हैव ड्रॉन। ऊपर के जो दो पिक्चर आपने ड्रॉ करे हैं उसी के दो दो वर्ड्स उन्हीं से निकाल करके इसमें लिखने, इस बॉक्स में। फर्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है डे और सेकंड बॉक्स में लिखा हुआ है नाइट। डे के टाइम में क्या दिखाई देता है हमें? सनलाइट। और चॉपिंग बर्ड्स, और नाइट के समय में दिखाई देता है मूनलाइट, और स्टार्स भी लिख सकते हैं, बर्ड स्लीप भी लिख सकते हैं, चिड़िया सो रहे होते हैं रात के समय। तो आप इसके आंसर्स अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि रात के समय हमें क्या दिखाई देता है, डे के समय हमें क्या दिखाई देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।